नमस्कार, मेरा नाम निखिल गुप्ता है। मैं देव सर से 2015 जो उनका दूसरा बैच था मैं उसमें पढ़ा हूँ उनसे, और अभी मैं इंफोसिस में प्लेस हूँ। मैंने बीटेक अपना करा है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुना से, एंड मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं 7 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ एज एन एलुमनाई नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर को देख कर, एंड सर किस माहौल से यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत करी है बच्चों पर, खुद पर, और पढ़ाने का तरीका सर का, नोट्स बनवाना एंड मस्ती, जो मस्ती तो हमने करी है, बहुत सी मस्ती करी है, तो वही मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रताप है। मैं भी सर के 2015 बैच में सर से मैथ्स पढ़ा था, और मैं अभी MITS कॉलेज से CSE ब्रांच से डिग्री चल रही है मेरी। मेरा भी इंफोसिस में प्लेसमेंट हुआ है। हम जब सर के साथ पढ़ते थे तो उसी टाइम मेरा NDA का भी एग्ज़ाम निकला था, जिसमें सर की मैथ्स ने मुझे बहुत हेल्प करी थी, और उसके बाद मैंने ड्रॉप ईयर भी सर के साथ ही लिया, सर के साथ ही कोचिंग करी। सर ने बहुत मेहनत करी हम पे, और तब हम कम ही लोग आते थे, तो सर ने हम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाया अपने, और आज उनकी सर की ग्रोथ देख के हमको भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि सर डिजर्व करते थे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी आया तो मैंने बहुत सी मैगजीन्स वगैरह देखी सर की, जिसमें बहुत से टॉपर्स लोगों का नाम था कि किसी की ऑल इंडिया रैंक कितनी है, किसी की कितनी है, तो मैं कंफर्म ये करना चाहूँगा कि मैं उन होशियार लड़कों में से तो नहीं था, मैं बहुत ही मस्ती खोर था, और मतलब तो सर की जुबान पर नाम मेरे इसलिए भी तक याद है कि मैं नॉटीएस्ट में से था। तो एज सच लोग बोलते हैं ना कि पढ़ने वाले लोग ही कर पाते हैं, तरक्की मिल पाती है, तो मैं वैसा तो बिल्कुल नहीं था। मैं 12th में मेरा परसेंट बहुत कम था, 65% था, उसके बावजूद मैंने बीटेक करी अपनी, अच्छे से करी, प्लेस हुआ कंपनी में, उसमें सर का बहुत बड़ा रोल है। सर ने हमेशा मोटिवेट किया मुझे कि तुम कर सकते हो, एंड अच्छे स्टूडेंट्स बुरे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आप कितना परसेंट अपना उस चीज़ में दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर, आप जैसे काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपने बहुत कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए होंगे, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? चेंजेस जैसे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तब सर का ऑफिस बहुत छोटा होता था, हमारी क्लास में से 50-60 लोग ही आ पाते थे। उससे अब जब सर की क्लास में इतने सारे एक साथ बच्चे आ सकते हैं, सर का इतना ऑफिस हो गया, सर की खुद की बिल्डिंग हो गई, ये देख के हमको खुशी भी हुई, क्योंकि सर डिजर्व करते थे जिस तरह का एफर्ट सर देते थे उस टाइम और अभी भी दे रहे हैं, वो उसके लिए सर डिजर्व करते थे। ओके, एंड सर जो मैथ्स आपने 11th 12th में सर से पढ़ी, उसका आपको कॉलेज में कितना यूज आया उस मैथ्स का? कॉलेज में भी बहुत यूज आया, एंड बाकी सारे एग्जाम्स में और एप्टीट्यूड वगैरह के जो कंपनियों के एग्जाम होते हैं इन्फोसिस वगैरह के, उसमें भी बहुत काम आया। जैसे सर हमको बताते थे कि फॉर्मूला स्टेप बनाओ हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए हो चाहे मैथ्स के लिए हो, तो उस सर को सर उसे ट्रिक बोलते थे, सर के टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसमें आता था कि फार्मूला स्टेप बनाना। तो मैं अभी भी कोई एग्ज़ाम होता है उसके लिए फार्मूला स्टेप बनाता हूँ। जैसे अभी कंपनियों की प्रिपरेशन कर रहा था, तब भी मैंने एक फार्मूला स्टेप बनाया था एप्टीट्यूड वगैरह के लिए, ताकि मैं देख पाऊँ, और उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है सर का इन सब आइडियाज। एंड सर एक्चुअली एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि फार्मूला रजिस्टर तो एक अलग चीज़ है, सर जिस तरीके से समझाते थे क्वेश्चंस को, उनकी ट्रिक्स को, तो वो अब दिमाग में बैठ ही जाती थी। फॉर्मूला रजिस्टर तो एक जरिया है कि आप एट दी एंड ऑफ एनी ऑफ द एग्जाम्स की आप उसको देख सको, रिवाइज कर सको, बट जिस तरीके से वो समझाते थे वो एक अलग ही चीज़ थी। सर के कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का कि बच्चों को विद इन हाफ एन आवर एक कोई भी वो क्लास ले लें, कोई भी डेमो क्लास ले लें, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। शुरुआत भी हमने डेमो क्लास से ही करी थी। हाँ, स्टार्टिंग में हमको फिर अगले दिन ही फीस भर दी। हाँ, ये चीज़ बहुत मतलब एक शॉकिंग थी कि एक ही डेमो क्लास के बाद हमने फीस, उसके बाद ही हमने अगले दिन बोला था कि पढ़ेंगे तो हम सर से ही पढ़ेंगे, एंड बहुत अच्छा माहौल रहता था। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, माहौल ऐसा रहता था कि सर का, 7 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, कि सर का जो पढ़ाने का तरीका था, जैसे एक आर की क्लास होती थी,
तो उसमें वो आधे घंटे पढ़ाते थे और आधे घंटे वो मस्ती मजाक करते थे। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मस्ती मजाक भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है। और एक एक टाइम हमको ये भी आता कि सर भेज देते थे कि भैया पेटीज ले आओ, पेटीज समोसा पार्टीज करिए, पेटीज मतलब पार्टी करिए, कोल्ड ड्रिंक पार्टी करिए सर के बर्थडे पे, सर के बर्थडे पे टीचर्स डे पे केक लेके आए थे। तो फिर हम लोग सर के बर्थडे पे सरप्राइजिंग लेकिन केक ले आए थे। तो सर उस टाइम शायद क्लास ले रहे थे बट हमने उनके कैबिन में केक कटवाया था। ये सब जो मेमोरीज हैं ये सब मैं जब आज आया 7 साल बाद ये सब मुझे एक तरीके का नॉस्टैल्जिया हो गया कि यार मतलब याद सी आने लगी कि मैं 7 साल पहले हम लोग आया करते थे। हालांकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बट जो भी था बहुत अच्छे मेमोरीज थे, बहुत अच्छी जगह थी, अच्छा माहौल था पढ़ने का, बहुत मजा आया पढ़ने में। और एक पॉइंट ये भी है कि सर हर बच्चे पे ध्यान देते, कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बैक बेंचर है तो उस पर सर ध्यान ना दे, बैक बेंचर फ्रंट बेंचर जैसे कोई भी हो सर हर किसी पे इक्वली ध्यान देते थे कि अगर तुम टॉप कर रहे हो या तुम बॉटम आ रहे हो लेकिन सर बराबर तुम पे ध्यान देंगे। और फिर क्लास के बाद आप कभी भी 24 hours डाउट सेशंस आप उनके केबिन में जाके कभी भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज वो टाइम लेके बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक कोई भी ट्यूटर, एक कोई भी टीचर आपको टाइम दे रहा है, वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। आज का जो जमाना हो गया वो सिर्फ ये है कि पैसे पढ़ाई पैसे पढ़ाई, ये चीज सर नहीं करते कभी भी। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है पढ़ाना, किस तरीके से पढ़ाना, किस मजे में पढ़ाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर में वो पैशन है पढ़ाने का जो हाँ मैं तब देखा था स्टार्टिंग की वजह से। अब सब जो ये सब आप देख रहे हैं बिल्डिंग वगैरह ये तो कुछ नहीं है क्योंकि सर का पैशन है तो वो और भी बड़ा करेंगे वो तो। और फिर बाकी हम लोग तो मिलते ही रहते हैं, आज बड़े सालों बाद आए, अच्छा लगा सर से मिल के। और सर भी एक बार में पहचान गए तो आंखों से देख के पहचान गए कि निखिल है ऐसा। तो मतलब एक होता है ना टीचर एक बच्चों को पढ़ाता है, आज की डेट में 200-300 का बैच है, हर एक स्टूडेंट को याद रखना बहुत बड़ी बात है। अच्छा है सर।